हे एवरीवन, हाय, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एक न्यू लॉन्च के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम सो 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 एक्साइटेड। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो। प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो है फ्रॉम डॉट एन की। डॉट एन की इज काइंड एनफ टू सेंड मी दिस पीआर बॉक्स, बट दे हैव नॉट आस्क्ड मी टू मेक द वीडियो। दिस इज जस्ट अ पीआर और गिफ्ट बॉक्स, एंड ये वीडियो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड ओपिनियन होने वाली है। एंड ये वीडियो पे मैं आप लोगों को वेयर टेस्ट का रिजल्ट, वाटर प्रूफ टेस्ट, ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट, सब टेस्ट आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ ये जो भी 3 शेड्स पे लॉन्च हुआ है ना, सारे के सारे 3 शेड्स को स्वॉच करके भी दिखाने वाली हूँ। सो ये इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो मुझे पीआर बॉक्स मिला है ऐसे, बट द पीआर बॉक्स इज सो प्रीटी, मतलब क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, एंड या लुक सो प्रीटी। दीज आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेड्स। वन इज द लाइट, वन इज फॉर लाइट स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन एंड डीप स्किन टोन, ये उन्होंने क्लेम किया है। दिस इज द शेड 01 पोर्सिलिन, 03 सैंड एंड 05 बेज। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि 01, 03 एंड उसके बाद 05 कि वो लोग शेड को एक्सटेंड करने वाले हैं। सिंस दिस इज द फर्स्ट लॉन्च, न्यू लॉन्च, तो उन्होंने बस 3 शेड्स को ही रखा है। दिस इज द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग, ये ऐसे पैकेजिंग पे आएगा। आप लोग जब बाई करोगे तो आप लोग देख सकते हैं। दिस इज न्यूली लॉन्च डॉट एन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन। जो दिस डिटेल्स फॉर 549, यू विल गेट 50 ml ऑफ प्रोडक्ट। यस, द क्वांटिटी इज एक्चुअली क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। एंड डॉट एन की पे ना ऑफर चलता रहता है, लाइक बाय वन गेट वन, या फिर बाय टू गेट वन, या फिर 50% डिस्काउंट। तो वैसे टाइम पे आप लोग जरूर इसको चेकआउट कर सकते हो। एज आई हैव सेड, आप लोग देख सकते हो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर मन करता है कि बाय करने के लिए, तो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पिन कमेंट पे दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज, सो दिस आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेड्स एज आई हैव सेड। एंड शेड का जो नाम है ना, लाइक 01 के बाद 03 एंड उसके बाद 05, ये देख के मुझे लगता है, मतलब मैं श्योर होके बोल सकती हूँ कि ये शेड को एक्सटेंड करने वाले हैं। मतलब इसके बाद शेड आएगा 02, 04 एंड 06 ऐसा। एनीवेज, आई हैव 3 शेड्स विथ मी। यू कैन सी दिस इज द इनर पैकेजिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग। एंड सेम पैकेजिंग ना मैंने कोरियन ब्रांड्स पे भी देखा है, उनका भी जो टिंटेड सनस्क्रीन या फिर वाटरी जो लिक्विडी सनस्क्रीन है, वैसा सेम ऐसा ही पैकेजिंग मैंने देखा है। एंड इंडिया पे भी आई गेस एक्वालॉजी का भी ऐसा पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग यूनिक तो नहीं है, बट हाँ, इट लुक्स सो प्रिटी। दे हैव क्लेम्ड इट विल गिव यू द नेचुरल सैटिन फिनिश। दीज आर एनरिच्ड विद नियासिनामाइड एंड अल्ट्रा लाइट फ्लूइड। तो एक एक क्लेम को हम लोग पहले करते हैं, मतलब इन्होंने बोला है दीज आर इंडस्ड विद नियासिनामाइड विच इज रियली ग्रेट, स्पेशली जो मेरी तरह एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन, उन लोगों के लिए नियासिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे लगता है वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। सो या, इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। नाउ लेट मी शो यू द मतलब कैसा है लिक्विड। उन्होंने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ना, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको प्रेस भी नहीं किया, मैं इसको बस ऐसे ही पकड़ के रखी हूँ, एंड ये लिटरली ऐसे ड्रॉप हो रहा है। सो या, ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, मैं इसको अगर ऐसे रखती हूँ ना, हो रहा है हाथ से। सो या, इट्स वेरी वेरी लिक्विडी, एंड आप लोग इसको ईजिली ऐसे ब्लेंड भी कर सकते हो। लाइक इसको ब्लेंड करने के बाद, लेट मी जस्ट शो यू द फिनिश। It will give that, as they have claimed, it will give you that ultra light satin finish. And let me just show you, मैं यहाँ पे हाथ पे ब्लेंड कर रही हूँ, नो कट, एब्सोल्यूटली नो कट, आप लोग देख सकते हो। सिंस दिस इज नॉट माई स्किन टोन, ये मैंने लाइट शेड ट्राई करके दिखाया है, विच इज द 01 पोर्सिलिन। तो ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ना, आप लोग देख सकते हो दोनों हाथ पे डिफरेंस है ना, ये इस पर ग्लो भी दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो आई थिंक इट हैज़ दैट शिमरी पार्टिकल्स, क्योंकि लगाने के बाद मुझे भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोई फिनिश दिया है। करेंटली आई एम वेयरिंग द शेड 02 एंड आप लोग देख सकते हो फिनिश। मैंने बस कंसीलर अपने अंडर आइज पे लगाया है और किसी भी जगह पे नहीं लगाया है, एंड आप लोग देख सकते हो मेरे डार्क स्पॉट भी दिख रहा है। तो पहले मैं जब ये लॉन्च हुआ था ना,
एकदम रिसेंट 2 या 3 दिन पहले लॉन्च हुआ। तो पहले जब मैंने इसका ऐड देखा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये बीबी क्रीम जैसा होगा, टिंटेड बीबी क्रीम, बट व्हेन आई अप्लाइड इट आई हैव टू से मतलब बीबी क्रीम का भी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मैंने पहले टिंटेड सनस्क्रीन ट्राई किया है, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, सो आई वॉज लिटरली स्केप्टिकल अबाउट इट, बट ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई ट्राइड इट ना, इट लिटरली ब्लू माई माइंड। सो गाइज उन्होंने क्लेम किया है कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना, इन्होंने बोला है कि 15 मिनट से पहले आप लोग इसका अप्लाई करना अपने फेस एंड नेक एरिया, सेकंड टू 1 मिनट बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप। सो या ये सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ना आप लोग इसके ऊपर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक एज अ बेस की तरह भी आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज SPF 50 प्लस PA++++ विच इज रियली ग्रेट। आपको और एक चीज मैं बता देती हूँ, ऑलवेज ऐसे सनस्क्रीन ट्राई करो जिसका SPF 50 या फिर 50 से ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि अभी वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, तो समर टाइम पे ना ऑलवेज 50 या फिर 50 से ज़्यादा वाला ही सनस्क्रीन ट्राई करना, ठीक है। फिल्टर्स, यूवी फिल्टर्स लाइक ऑक्सीटोसेट, ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज रियली ग्रेट, एंड ऑल्सो इट हैज हाई UVA, UVB एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। ये सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले ना आप लोग अपने फेस को क्लीन कर लेना, टूनर अप्लाई करना, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, उसके बाद मॉइस्चराइजर के बाद आप लोग ये सनस्क्रीन अप्लाई करना। प्लीज मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मिनिमम 10 मिनट तक वेट करना, उसके बाद ये सनस्क्रीन अप्लाई करना, वरना पील हो सकता है। तो या कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद पील होता है, गाइज आप लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद तुरंत सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हो इसीलिए, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मिनिमम 10 मिनट्स तक आप लोग वेट करो, आपका मॉइस्चराइजर पूरा से पूरा आपके फेस पे नेक पे सेट हो जाए, उसके बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई करो, क्योंकि इट हैज शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स एंड सनस्क्रीन का शेल्फ लाइफ उतना ज़्यादा नहीं होता है, एंड वो भी है तो टिंटेड सनस्क्रीन है। तो या अभी मैं आप लोग को स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ सारी के सारी शेड्स का अपने चीक्स पे, उसके बाद आप लोग को ब्लेंड करके दिखाने वाली हूँ कि इतना जल्दी ये ब्लेंड होता है एंड विदाउट कट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मैं आप लोग को ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट, वाटर प्रूफ टेस्ट और उसके बाद मेरा फाइनल थॉट्स भी बता। सो गाइज दीज आर द न्यूली लॉन्च डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन एंड ईच ऑफ दिस सनस्क्रीन रिटेल्स फॉर 545 PS एंड आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। सो दिस इज द इनर पैकेजिंग। तो पहले अभी एक एक करके मैं आप लोगों को सारी शेड दिखाऊंगी एंड उसका स्वॉच मैं अपने चीक्स पे दिखाऊंगी एंड आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, लाइक लुक एट दिस कितना जल्दी जितनी ये फ्लो हो रहा है एंड दिस इज द स्वॉच आप लोग देख सकते हो। अभी जो नेक्स्ट शेड मैं ट्राई करने वाली हूँ विच इज़ द 03 सैंड एंड ये मीडियम स्किन टोन लोगों के लिए है, आप लोग देख सकते हो एंड दिस इज़ द स्वॉच आप लोग देख सकते हो द शेड। नेक्स्ट शेड है 05 बेज एंड उन्होंने बताया है कि ये डार्क स्किन टोन के लिए है, बट मैं बताऊंगी ये कम्प्लीटली डार्क स्किन टोन के लिए नहीं है, ये आप लोग बता सकते हो टैन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। लुक एट द शेड। सो ये रहा तीनों शेड, मेरे लिए अभी 03 मैच कर रहा है, बट मैं बताऊंगी मेरे लिए परफेक्ट मैच होगा 03 एंड 01 को जब मैं मिक्स करूंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ये चीज़ मत करना, क्यों आप लोग को भी पता लगेगा दिस इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी एंड आप लोग देख सकते हो लिटरली ऐसे ड्रॉप हो रहा था। सो या ऐसे मत करना, आप लोग हाथों पर लेके उसके बाद फेस पर अप्लाई करना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ब्लेंड बहुत ही अच्छे से करना पड़ा, ब्लेंड करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बट इट एक्चुअली ब्लेंडेड सो ब्यूटिफुली आप लोग देख सकते हो। थोड़ा बहुत जो रेडनेस था वो कवर हो गया, बट एक्ने मार्क्स कवर नहीं हुआ है। आप दोनों चीक्स पे मतलब दोनों साइड पे डिफरेंस देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट पे आप लोग दोनों साइड पे डिफरेंस देख सकते हो। सो या आई रियली लाइक द कवरेज, मतलब एकदम डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी दूसरे साइड पर मैं ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, एकदम सेकेंड्स के अंदर ये ब्लेंड हो गया, लाइक लुक एट दिस। बट ये कवरेज अच्छा खासा नहीं दिया है, एकदम ही मतलब लग रहा था उतना ज़्यादा सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है। सो बेस्ट होगा आप लोग हाथ से अप्लाई करो, सो या ब्रश को यूज़ मत करना। अभी मैं ऑक्सीडाइजेशन दिखाने वाली हूँ। ये वाला जो पहला स्वॉच है मैं 1 घंटे पहले किया था। मैं यहाँ पे 03 शेड को स्वॉच करके दिखा रही हूँ, आप लोग दोनों शेड पे डिफरेंस देख सकते हो, लाइक लग रहा है दोनों डिफरेंट शेड है बट सेम शेड था। एनीवेज गाइस मैं अभी दोनों ही जो बाकी दो शेड थे, ये है पोर्सिलिन 01, इसको भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो ये लग रहा है मेरी स्किन पर एकदम वाइट कास्ट दे दिया है। सो या एकदम फेयर स्किन टोन के लिए ही एकदम परफेक्ट है, आप लोग देख सकते हो।
सो या दोनों चीज़ पे डिफरेंस देख सकते हो। अभी मैं 03 को भी स्वॉच करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो या ये 10 स्किन टोन के लिए है, ये मेरे स्किन टोन से एक शेड डार्क है एंड जब जितना टाइम जाएगा और भी ये दो शेड डार्क हो जाएगा। सो या ये मेरे स्किन टोन के लिए एकदम ही नहीं है एंड आप लोग कवरेज देख सकते हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, दिस सनस्क्रीन डज नॉट हैव एनी व्हाइट कास्ट, मतलब ये व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड कवरेज तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, फिनिश भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एकदम शेयर फिनिश देता है। एंड ये रेडनेस को कवर कर सकता है, बट आपका अगर डार्क ब्लैक स्पॉट है, एक्ने मार्क्स है, तो वो कवर नहीं करेगा। एंड इस पे SPF 50+ PA++++ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्पेशली समर सीजन के लिए तो एकदम ही परफेक्ट है। एंड ऑल्सो कुछ कुछ सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ना एक ऐशी फिनिश जैसा देता है, ये सनस्क्रीन से वो नहीं होगा। बस आप लोगों ने तो देख ही लिया कि कैसे ये ब्लेंड होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ऑल दो इट हैज़ दैट वेरी वाटर लाइक फिनिश, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, वाटर जैसा है एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है। एंड फिर भी ये ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, अगर फिंगर टिप्स से इसको ब्लेंड करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट आप लोग अगर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते हो तो बहुत जल्दी जल्दी होगा जाएगा। बट मुझे नहीं लगता सनस्क्रीन कोई भी ब्रश से ब्लेंड करता है, फिर भी आप लोग अगर करते हो थोड़ा सा जल्दी है तो अपने ब्रश जो होता है ना, ब्रश से ब्लेंड करो, उससे जल्दी हो जाएगा। बट ब्यूटी ब्लेंडर ट्राई मत करना, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादातर प्रोडक्ट सोक कर लेता है, ब्रश से ही बहुत ही अच्छा फिनिश देखने को मिलेगा, कोई भी ब्रश स्ट्रोक नहीं आएगा। मैंने ये साइड पे ब्रश से अप्लाई किया है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो गया था, बट हाथ से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। एनीवेज सो आप लोग देख सकते हो फिनिश अप क्लोज पे, मैंने बस ब्लश लगाया है एंड अंडर आइज पे मैंने पाउडर से सेट किया है, कंसीलर लगाया पाउडर से सेट किया है, बाकी पूरे फेस पे मैं कुछ भी नहीं है ना। आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट जो है दिख रहा है। सो या आप लोग के अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क स्पॉट है तो ये उसको कवर नहीं करने वाला है, सिंस इट हैज़ वेरी वेरी लो कवरेज, एकदम ही लाइट फिनिश देता है। बट हाँ, आप लोग के अगर चीक्स पे थोड़ा सा रेडनेस है, लाइक कुछ कुछ लोगों को रोजेरिया का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, मतलब बहुत ही एक मीडियम सा, मतलब मीडियम तो नहीं, एकदम ही लाइट सा कवरेज देता है, ठीक है, एकदम जैसे बीबी क्रीम से आप लोग को जैसा कवरेज देखने को मिलता है ना, वैसा वाला सेम कवरेज देखने को मिलेगा। बट हाँ, बीबी क्रीम से इसका फिनिश बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इट गिव्स द शियर फिनिश एंड बहुत ही ज्यादा ग्लोई फिनिश देता है। आई मीन मैं जब अप्लाई कर रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं कोई टिंटेड स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ, यस टिंटेड स्ट्रोब क्रीम, इतना ज्यादा ग्लोई फिनिश दे रहा था एंड इतना ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड अभी अगर मैं आप लोगों को ट्रांसफर प्रूफ दिखती हूँ, यहाँ पे ये टिश्यू है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, पाउडर से भी सेट नहीं किया है, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ एंड ओके इट ट्रांसफर्स। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ये बहुत ही हल्का सा ट्रांसफर हुआ है, लाइक 1% तक, मतलब हाँ ये ट्रांसफर प्रूफ में तो बता सकते हो, अगर हाथ से ऐसे रब करते हो तो ये निकल जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट स्मज प्रूफ। एंड वाटर प्रूफ की अगर बात करें, मैंने हाथों पे यहाँ पे लगाया है, आप लोग देख सकते हो हाथों पे यहाँ पे, तो लेट्स सी इफ इट्स वाटर प्रूफ और नॉट। मैंने हाथों पे लगाया है वाटर को, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद पहले जो भी मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है जो कि वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, उसका अप्लाई करने के बाद अगर वाटर मेरे स्किन पे लगता है ना तो एक मार्क आ जाता है। एंड लेट्स सी इस पर कोई भी आता है कि नहीं, नहीं इस पर कुछ भी नहीं आया है। एंड मैं अगर इसको ऐसे करती हूँ तो हाँ ये रिमूव हो जाएगा, तब ये रिमूव हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, सी। सो या आप लोग मतलब क्या बताओ, इन्होंने क्लेम भी नहीं किया है कि ये वाटर रेजिस्टेंट होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन पसंद में नहीं है, बिकॉज मेरा एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन है एंड वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन ना ज़्यादातर मेरे एक्ने को, मतलब पोर्स को क्लॉक कर देता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो या विच इज़ दिस सनस्क्रीन आर एक्चुअली रियली ग्रेट, मतलब उन्होंने क्लेम भी नहीं किया था कि ट्रांसफर प्रूफ होगा, बट एज आई हैव सेड ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। आप लोगों को कंप्लीटली
ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए आप लोग ये सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद ना एक पाउडर से सेट कर लो, ट्रस्ट मी यू आर गुड टू गो। एंड आप लोग अगर इतना ज़्यादा ग्लोई फिनिश पसंद नहीं है तो आप लोग पाउडर से सेट कर लो, बहुत ही अच्छा है। जो लोग डेली वेयर पे ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, एंड आप लोग को एक डेली टिंटेड सनस्क्रीन के ऊपर उसके बाद बीबी क्रीम लगाना पड़ता है, तो आप लोग वो दोनों स्टेप को एक स्टेप पे कर सकते हो, क्योंकि इससे ना बीबी क्रीम वाला फिनिश मिलेगा एंड स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड ब्यूटीफुल भी दिखता है। एंड ऐसा नहीं लगता आपने मेकअप किया है, बट हाँ योर स्किन विल लुक बेटर एंड ब्यूटीफुल। तो आप लोग ये लगा लो एंड उसके बाद पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लो, यू आर गुड टू गो एंड इट लुक्स सो प्रिटी। एनीवे सभी अगर एक एक करके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, फर्स्ट प्रो पे मैं बताऊंगी आई लव द पैकेजिंग। मतलब डॉटिनकी ने जो ये रेंज निकाला है ना, आई डोंट नो, मुझे लगता है इसके पहले डर्माको वॉज द फर्स्ट ब्रांड जिन्होंने ये ऐसा टिंटेड सनस्क्रीन लॉन्च किया है, बट डर्माको का फिनिश मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी था। बट ये इसका फिनिश ना एकदम कोरियन जो सनस्क्रीन होता है ना, कोरियन टिंटेड सनस्क्रीन एकदम सेम, एकदम सिमिलर है। सो या आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस सनस्क्रीन। एंड इसको लगाने के बाद ना इंस्टेंटली कूलिंग सेंसेशन भी आता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। द पैकेजिंग इज एब्सोल्युटली प्रिटी एंड द पैकेजिंग इज रियली कॉम्पैक्ट। पैकेजिंग पे सारी डिटेल्स मेंशन किया मिल जाएगा, विच इज़ रियली ग्रेट। नेक्स्ट जो प्रो पे पॉइंट बताऊंगी वो है इसका फिनिश। ओ माय गॉड, इट विल गिव यू दैट वेरी ब्यूटीफुल ग्लोई फिनिश, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड इन्होंने क्लेम भी किया है इट्स ड्यूवी टिंटेड सनस्क्रीन। एंड ऑल्सो इसका जो मतलब कंसिस्टेंसी है ना, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे थिक सनस्क्रीन अप्लाई करना एकदम ही पसंद नहीं है। एंड टिंटेड सनस्क्रीन मैंने पहले ट्राई किया था, मुझे एकदम ही कंसिस्टेंसी अच्छा नहीं लगा था। सो आई यूजुअली यूज टू अवॉइड टिंटेड सनस्क्रीन, बट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस वन बिकॉज आई रियली लाइक द कंसिस्टेंसी। एकदम वाटर जैसा इसका कंसिस्टेंसी है, वेरी वेरी लिक्विडी। एंड प्रोस पे तो मैं बस यही बताना चाहूँगी। एंड ऑल्सो दीज आर ऑलमोस्ट ट्रांसफर प्रूफ, कम्प्लीटली नॉट ट्रांसफर प्रूफ। इसको कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए आप लोग इसको लगाने के बाद, आप लोग अगर ग्लोई फिनिश चाहिए तो इसको लगाने के बाद एक सेटिंग मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लो, या फिर आप लोग अगर एक मैट फिनिश चाहिए तो इसका अप्लाई करने के बाद पाउडर से सेट कर लो। सो प्रोस पे मैं और एक चीज़ बताना भूल गई, दीज आर एक्चुअली क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग आई हैव टू से। मैं ये जो सनस्क्रीन है ना अभी पहनी हुई हूँ, अभी 3 आवर्स से ज़्यादा हो गया है। एंड आप लोग इसके ऊपर रीअप्लाई कर सकते हो, कोई भी सनस्क्रीन 2 घंटे बाद रीअप्लाई करना चाहिए। एंड आप लोग इजीली रीअप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, आप लोग इसको इजीली कैरी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है लीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। ऑल्सो दिस सनस्क्रीन डजंट हैव एनी स्मेल टू इट, विच इज़ रियली ग्रेट। मतलब कुछ कुछ सनस्क्रीन पे ना एक वियर्ड सा स्मेल रहता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, स्पेशली सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑल्सो दीज आर नॉन कॉमेडोजेनिक, विच इज़ रियली ग्रेट। अभी अगर बात करते हैं कॉन्स की, फर्स्ट कॉन पे मैं बताऊँगी आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन द शेड रेंज। आई नो दे आर गोइंग टू लॉन्च मोर शेड इन दिस रेंज एंड आई रियली रियली प्रे कि वो लोग ये शेड रेंज को जल्दी ही एक्सटेंड करें, बिकॉज दिस सनस्क्रीन आर एक्चुअली रियली गुड। एंड वो लोग अगर ये शेड रेंज को एक्सटेंड करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस सनस्क्रीन आर एक्चुअली रियली गुड। तो ये कौन पे मैं बताऊँगी, शेड रेंज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। सेकेंड पॉइंट पे मैं बताऊँगी दिस ऑक्सीडाइजेस, येस दिस ऑक्सीडाइजेस अप टू 2 शेड्स। मैंने आप लोगों ने यहाँ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ फिर से एक बार, आप लोग देख सकते हो। लिटरली ये लगाने के ना 1 से 2 घंटे बाद मैं ये फेस से अप्लाई कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो 2 शेड तक ये डार्क हो जा रहा है। सो या इट ऑक्सीडाइजेस एंड आई डोंट नो, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के शेड रेंज को चूज़ करना। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेड लॉन्च करना चाहिए बहुत जल्दी। एनीवेज जो पॉइंट मैं बताऊंगी वो है दीज आर नॉट वाटर रेजिस्टेंट, या इट्स नॉट स्वेट रेजिस्टेंट, बट या ये मेल्ड भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है ये मेल्ड भी हो जाता है। टिंट की ने कोई भी टिंटेड सनस्क्रीन लॉन्च किया है, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट रिव्यू इट फॉर यू गाइस। एंड टू वेरी ऑनेस्ट आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड मेरा फाइनल रेटिंग रहेगा 4 out of 5। आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड मैं इसको 5 out of 5 दे देती अगर ये शेड और भी ज़्यादा होता एंड ऑक्सीडाइज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मैं इसको 5 out of 5
पॉइंट देती, बट सिंस इट ऑक्सीडाइजेस एंड ऑल्सो शेड रेंज भी उतना ज़्यादा नहीं है, बस 3 शेड्स, वो भी इंडियन स्किन टोन पे। जो डार्क स्किन टोन के पीपल है ना, आई डोंट थिंक कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये शेड रेंज तो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो या दिस इज़ वाई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड, अदरवाइज दिस सनस्क्रीन्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई रियली रियली विश कि डॉटन की ये शेड रेंज पे और भी ज़्यादा शेड लॉन्च करें। ऑल्सो गाइस, आप लोग अगर बाय करना है तो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। मैं एक बार और बता देती हूँ, आप लोगों की स्किन टोन अगर बहुत ही ज़्यादा फेयर है एंड तो फिर आप लोग ये 01 पोर्सिलिन वाला शेड ट्राई करो। एंड आप लोगों की स्किन अगर मीडियम, मेरी तरह स्किन टोन है फेयर, मीडियम टू 10 स्किन टोन पे हो, तो आप लोग ये 03 सैंड शेड ट्राई करो। एक्चुअली ये सैंड शेड भी मेरे लिए नहीं है, मेरा जो परफेक्ट मैच होगा आई थिंक ये 01 एंड 03 को मिक्स करके होने वाला है, विच इज़ आई थिंक 02, बट सिंस 02 इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब वो लोग लॉन्च करेंगे आई थिंक, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू मिक्स दिस टू शेड्स। तो या एंड आप लोगों की स्किन अगर थोड़ा सा टैन से थोड़ा सा डार्क स्किन टोन पे हो, तो आप लोग ये वाला 05 शेड ट्राई कर सकते हो। एंड आई रियली रियली विश कि वो लोग ये रेंज पे ना और भी ज़्यादा शेड्स निकाले, बिकॉज दिस सनस्क्रीन्स आर एक्चुअली सो गुड। स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों की स्किन टाइप ऑयली है, एक्ने प्रोन है, आप लोग फिर भी इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, ये तो रहा मेरा आज का रिव्यू, एंड आप लोगों को अगर फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प आउट। एंड ऑल्सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन जस्ट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट व्हेनेवर आई विल पोस्ट वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड ओपिनियन। सो या गाइस, दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।